एक अंतर्राज्यीय सॉल्वर गैंग का खुलासा किया है और इन लोगों ने 10 लोगों को अरेस्ट किया है। बेसिकली ये सभी 10 लोग जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे उसके क्वेश्चन पेपर्स लीक कराना, उसके आंसर शीट्स तैयार करके उसको बेचना, किसी किसी जगह पे कैंडिडेट्स की जगह पे दूसरे किसी को बैठाना, इस तरह का काम ये कर रहे थे। और इसके बारे में हम लोग को सूचना मिली थी, हम लोगों ने समय रहते इन लोगों को हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया, इन 10 लोगों को अरेस्ट किया है। इनकी पोजीशन से 28 एडमिट कार्ड्स डिफरेंट एग्जाम्स के मिले हैं, जो क्लियरली इंगित करता है कि उस एडमिट कार्ड्स जिस एग्जाम का एडमिट कार्ड मिला है वहाँ पर ये लोग जो डिटेल्स होते थे उस डिटेल्स को चेंज करके और किसी दूसरे कैंडिडेट को वहाँ पर बैठाते थे, और बाकी जो कैंडिडेट्स उसके ओरिजिनल होते थे उनसे पैसे लेकर के बाकी और चीज़ भी उनको दूसरे तरीके से सपोर्ट करना, यानी दो तरह से काम करते थे ये। अगर किसी को केवल क्वेश्चन पेपर चाहिए और आंसर शीट चाहिए उसको अलग तरीके से देते थे, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते थे जिन कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस नहीं होता था एग्जाम देने का, उनकी जगह किसी को बैठा कर उसका डिटेल्स एडमिट कार्ड में चेंज करके उसको बैठा करके उसको एग्जाम दिला करके उसे पास कराते थे। ये गैंग पिछले 2.5 साल से पूरे जो इधर स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, इन सभी जगहों पे ये ऑपरेशनल थे, और 2.5 साल से बहुत सारे एग्जाम्स में लोगों ने लोगों को इस तरह से फर्जरी की है। बेसिकली इनके पोजीशन से 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 2-2 लाख के 2 चेक बरामद हुए हैं, हमने आपको बताया एडमिट कार्ड 28 बरामद हुए हैं, स्मार्टफोन जो ये यूज़ कर रहे थे वो बरामद हुआ है, और इन लोग के बीच में आपस में जो बातचीत होती थी उसका लगभग 30-35 पेजेस का हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट भी है, जो क्लियरली इस्टेब्लिश करता है कि ये गैंग किस तरीके से पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम देता था, इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता था। हम लोगों ने इस गैंग के खिलाफ जो उचित धाराएं हैं उसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है, हम इनको जेल भेज रहे हैं, और बाकी जितने लोग हैं इन सभी लोग का प्रोफाइल हम चेक कर रहे हैं इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें 3 जो अपराधी पकड़े गए हैं वो तीनों का आर्मी से बैकग्राउंड है, मतलब ये लोग आर्मी में पहले काम करते थे। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों को इन लोगों के माध्यम से नौकरियां मिली हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और संबंधित विभाग को अवगत करें। सर, अब तक ये लोग किन पे, जैसा कि आज ही एक एग्जाम होने वाला था हरियाणा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कांस्टेबल जीडी का, उसका भी ये लोग टारगेट किए थे, उसके भी एडमिट कार्ड इन लोगों की पोजीशन से बरामद हुए। उसी प्रकार राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम, बाकी एक नॉन टेक्निकल मल्टीटास्किंग एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है उसके एडमिट कार्ड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड्स, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्स के एडमिट कार्ड्स बरामद हुए हैं, और इन लोगों ने स्वीकार किया है कि जिस जो जो भी एडमिट कार्ड्स आपके पास हम लोगों के पास मिले हैं इन सभी तरह के एग्जाम्स में हम लोगों ने पहले लोगों को बैठा करके और दूसरे की जगह और उसके बाद पास कराया है।